क्या पीएम की रेस में केजरीवाल निकले राहुल से आगे? क्या 2024 में केजरीवाल होंगे विपक्ष के पीएम फेस? क्या मोदी की जनता करने जा रही विदाई? आइए जानते हैं। जी हां, आपको बता दें कि पिछले दिनों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भाजपा को बड़ी जीत मिली है, जबकि 1 राज्य कांग्रेस के हिस्से में गया है। तो वहीं मिजोरम में लोकल पार्टी को लोगों का प्यार मिला है। लेकिन इसी बीच 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर मामला गर्मा गया है। बीते दिनों विपक्ष के इंडिया गठबंधन का बैठक किया गया। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन में अब पीएम फेस को लेकर लड़ाई जारी हो गई है। जहां कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी और कुछ नेताओं का मानना है कि पीएम के लिए केजरीवाल का फेस होना चाहिए। आपको बता दें कि 2014, 2019 दो लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ जीती थी और भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी पीएम बने थे। अगर 2024 में भी नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो वो जीत की हैट्रिक लगा लेंगे। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकने में लगी हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा उसी गेंद पर छक्के लगाने का प्लान बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। दो पीएम फेस के साथ विपक्षी गठबंधन थोड़ी तनाव में है, लेकिन आने वाले कुछ समय पर ये साफ हो जाएगा कि पीएम फेस के लिए कौन से नेता सटीक होंगे जो मोदी को हराकर भाजपा को हैट्रिक लगाने से रोकेंगे। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से राहुल गांधी को पीएम फेस के लिए दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, राहुल गांधी कहीं ना कहीं इसमें पिछड़े हुए नजर आने लगे। अब आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी इन 5 राज्यों में कहां जीती है, लेकिन आपको बता दें कि इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और विधानसभा और लोकसभा चुनाव का अलग मिजाज होता है। लोग देश की राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल किस तरह काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को यह अच्छा भी लग रहा है तो कुछ लोग अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए भी दिखाई देते रहते हैं। लेकिन इसी बीच अब विपक्ष को यह तय करना है कि आखिर मोदी के खिलाफ पीएम फेस कौन सा बड़ा नेता होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पीएम फेस के लिए माना जा रहा था, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली और राहुल गांधी का मैजिक काम नहीं आया, जिसके बाद अब ये सोचना कि आखिर भाजपा के खिलाफ कौन सा बड़ा फेस निकलकर सामने आएगा जो भाजपा के विजय रथ को रोकेगा, अभी ये तो देखना होगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ लॉकर। आपके लिए न्यूज़ रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।